किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शनल कैसे चुने, ऑप्शनल को लेके बहुत बड़ा रहता है जब आते हैं यहाँ पे कई साल, तो ये सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं खुद का ही बता रहा हूँ अनुभव, कई साल तो ये डिसाइड करने में लगते हैं कि ऑप्शनल कौन सा लें, एक दो साल इसी बात में लग जाते हैं। आप में सबको अपना ऑप्शनल तो क्लियर होगा, है ना, सबका डिसाइडेड है कोई ऐसा जिसको करना है। ऑप्शनल में यही है कि देखो, टू बी वेरी फ्रेंक, अगर हिंदी मीडियम है आपका तो आप सारे ऑप्शनल नहीं ले सकते। आप सोचो मैं जूलॉजी ले लूं, आप सोचो मैं लॉ ले लूं, वो संभव नहीं है। आप वही ऑप्शनल लोगे जिसमें हिंदी मीडियम में कंटेंट अवेलेबल है और कोई टीचर या कोई गाइड करने वाला बंदा, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कोई अच्छा कोचिंग वाला हो। मैं कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा, कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो वो देख लो आप। उसके अलावा ये देखो कि उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों में, उस पेपर में कितने, उस सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मतलब ऑप्शनल का चुनाव भावुक होकर नहीं करना है, ऑप्शनल का चुनाव बिल्कुल प्रैक्टिकल कि भाई इस मुझे ऐसा ऑप्शनल लेना है। ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी साहित्य निराला अच्छे लगते हैं तो मेरे को हिंदी साहित्य ही लेना है, ऐसा बहुत लोग करते हैं और मेरे सिलेक्शन के बाद बहुत लोगों ने हिंदी साहित्य लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जिसमें आपको सब्जेक्ट में थोड़ी फैमिलियरिटी लगती हो, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता हो, मार्क्स अच्छे आ रहे हो उसमें, सिलेबस डिफाइंड हो उसका, कोई गाइडेंस अवेलेबल हो, कंटेंट और किताब अच्छी अवेलेबल हो, तभी आपको लेना है। अब मैं आपको 5-6 सब्जेक्ट बता देता हूँ जो हिंदी मीडियम में फिजिबल हैं, जिनमें आपके साथ गड़बड़ नहीं होगी और आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसमें एक तो हिंदी लिटरेचर ही है, उसके अलावा कोई भी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, जिसमें आप जो भी आपको आता हो उसके हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो हिस्ट्री, फिलॉसफी और कुछ सीमा तक पॉलिटिकल साइंस और थोड़ा बहुत देखें तो सोशियोलॉजी। इसके बाहर और कोई ध्यान आ रहा है आप में से किसी का है? एक ज्योग्राफी, चलो और चलो हाथ खड़े करना, मैं सब्जेक्ट का नाम बोलूंगा किसका क्या ऑप्शन है। हिंदी साहित्य, चलो ओके, हिस्ट्री ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी दो, ज्योग्राफी ओके, और क्या बचा, मैथिली गुड, उर्दू वाला है कोई, संस्कृत वाला गुड। सही यार, आप लोगों के ऑप्शनल का चुनाव 90% ठीक है भाई। ज्योग्राफी वाले अपने रिस्क पे कर रहे होंगे तैयारी, मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रहा है हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी का स्कोर, है ना, चल रहा है राम जी, कितने मार्क्स आ रहे हैं ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में है? सर, 280-290 जाते जाते है। आ जाता है 280-290, चलो ठीक है फिर 280-290 आ रहा है तो ठीक है फिर, है ना। और पॉलिटिकल साइंस में कितने आ रहे हैं भैया, कहाँ है, कौन है बताओ, किसके आए 306 है? नहीं नहीं 306 मार्क्स आए किसी की हिंदी मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस में कौन बोल रहा है, 280 आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में कितने आ रहे हैं, 300 प्लस आ रहे हैं, आई जाएंगे अपन तो बस हिंदी साहित्य ले लिया है। ये हिंदी साहित्य वाले मजे में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है भैया, पूरा रगड़ना पड़ेगा 300 प्लस के लिए, तो सारी व्याख्या सही पहचाननी पड़ेंगी, सारे आंसर क्रिस्प रखने पड़ेंगे, बड़ा देखने में भी सुंदर लगनी चाहिए आपकी कॉपी, ऐसे नहीं आएंगे 300 प्लस। व्याख्या कोई कोचिंग कराती नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं आपका ठीक है, मतलब इससे बाहर तो कोई नहीं ऑप्शनल जो मैंने लिए अभी, कोई और तो नहीं भाई, ठीक है।